तो आज हम बनाएंगे गणपति जी के सबसे फेवरेट मोदक, वो भी सिर्फ तीन चीज़ों से और बिना गैस जलाए। मात्र 5 मिनट से भी कम समय में ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट मोदक। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट फ्लेवर के क्रीम वाले बिस्किट। आप कोई भी कंपनी का बिस्किट ले सकते हैं। ये मैंने डार्क फैंटेसी के क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं। इसका मैंने एक पैकेट लिया है, करीबन 200 ग्राम वाला। इनको हम मिक्सी के जार में रफली तोड़ के डाल लेते हैं इस तरह से, और हम इसको पीस लेंगे। हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। देखिए इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बनाना है हमें। इसको अब हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, 2-3 ड्रॉप्स जितना वनीला एसेंस, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। कि इसमें बिस्किट में वैसे भी अपना खुद का भी फ्लेवर होता है, वैसे ये आसानी से ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें अब हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसकी डो वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्स करते जाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, 1-1 चम्मच करके इसमें दूध डालें। 1 या 2 चम्मच ही करीब दूध लगेगा इसमें। हमको इसको बिल्कुल आटे की तरह मारना है, ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं रखना है। देखिए ये आटे के जैसा बन गया है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए पता है ना आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब पिघला हुआ बटर। आप चाहे तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें हमें चीनी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, बिस्किट भी मीठे होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए बादाम। ये ऑप्शनल है, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। डालने से इसमें क्या होगा, एक हल्का सा, जब हम इसको खाएंगे तो हल्का सा एक क्रंच आएगा, तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में और खाने में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे मोदक का मोल्ड, और इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से या बटर से। तब हम इसमें से एक नींबू के आकार के बॉल लेंगे और ये ग्रीस किए हुए मोदक के मोल्ड में इसको फिल कर लेंगे इस तरह से, और इसका इस तरह से बंद कर देंगे इसको। अब इससे हम हल्के हाथों से निकाल लेंगे, और देखिए कितना सुंदर मोदक बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से सभी मोदक को हम बना लेंगे। देखिए एकदम सुंदर, आसान और टेस्टी मोदक बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। अगर पसंद आए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।